आज हमने सुबह से लेकर अब दोपहर तक डोर टू डोर किया, इतना जन समर्थन, इतना पार प्यार मिल रहा है कि चारों तरफ आदमी जो 10 साल का से यहाँ से मौजूदा विधायक थे, लोग उनसे परेशान आ चुके हैं, उनकी कोई समस्या नहीं सुनी गई। इस तरह का आक्रोश जनता में, सड़कों की जगह सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और राशन कार्ड कट गए, प्रॉपर्टी आईडी में जैसे लोगों को धक्के खाने पड़े उसकी वजह से परेशान है, पेंशन नहीं बन रही, हर जगह आक्रोश है, सरकार के प्रति, विधायक के प्रति आक्रोश है, जनता बदलाव के मूड में है और अब समय आ गया बदलाव का। मैं जनता से अपील करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को सेब के निशान पर मोहर लगाकर मुझे अपना आशीर्वाद दे, अपने बेटे अपने भाई विजय जैन को कामयाब बनाए। जिस प्रकार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कैंडिडेट होते हैं उनके फेस पर एक टेंशन डिप्रेशन देख लिया है, लेकिन आपका चेहरा खिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या राज है? देखिए, मुझे 36 बिरादरी ने खड़ा किया, ये मेरा परिवार है, 36 बिरादरी मेरा परिवार है, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उनका अपार समर्थन प्यार मिल रहा है मुझे, तो टेंशन की क्या बात है, जिसके साथ बिरादरी खड़ा है, समाज खड़ा है, उसको कोई चिंता की जरूरत नहीं। जिस कॉलोनी में आज आपने डोर टू डोर किया है, इस कॉलोनी की समस्या हमेशा सामने देखने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से यहाँ पर अनदेखी की गई, जिसका रोष पूरी पब्लिक में है। मैं तो ये कहता हूँ जो भी विधायक बनता है या जो जनप्रतिनिधि है उसको सबके काम कराने चाहिए, जीने का अधिकार सभी को और सभी के लिए काम कराने चाहिए। लोगों को काफी उम्मीदें हैं आपसे, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरोगे? बिल्कुल, वही उम्मीदों को लेकर चल रहा हूँ और जो भगवान, जो सम्मानित जनता को मेरे से उम्मीद है, मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इतना सामर्थ्य और ताकत दे कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ।